بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अरबाब करम खान रोड में हम लोग का ज़मीन का तनाज़ा है और 1991 से लेकर हम लोग जो 2014 तक हम लोग का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और हम लोग का हक में फैसला भी हो चुका था 2014 में. तो जमाल मंदोखेल का भी मेरे साथ अड्रे पड़ा हुआ है और जस्टिस का, जमाल मंदोखेल का. और अब लाला खान ने मेरी ज़मीन कब्ज़ा किया हुआ है 2007 से लेकर 2021 तक मेरे ज़मीन को कब्ज़ा किया है और मुझे अपना हक नहीं दे रहा है. और तमाम पार्टीज़ को लाला खान ने अपना हिस्सा दे दिया. जो पावरफुल था, जिसका घर का कैप्टन था, जिसका घर का जज था, तमाम पार्टीज़ को हिस्सा दे दिया, खरीद फरोख किया लाला खान ने. तो अब मेरे जो हिस्सा है वो लाला खान बाजीजी मेरा हिस्सा मुझे नहीं दे रहा है और शदीद जुल्म कर रहे हम लोग के साथ. और मेरा भाई जो ना वो गुर्दे भी ख़राब है, चूँकि कराची में जो ना इलाज कर रहे हैं, गुर्दे दोनों फेल है और हम लोग के साथ ऑपरेशन के भी पैसे नहीं है. और मेरा दूसरा भाई उसका भी जो ना गुर्दे फेल था, वो भी मर गए हम लोग का गुर्बत की वजह से. हम लोग का साथ पैसे नहीं था तो लाला खान मुझे हक नहीं दे रहा था, तो वो भी मर गए. तो अब दूसरा बात है कि मेरी माँ जो है ना घर में पड़ा हुआ है और हम लोग को जेलों में डाल रहा है और इसने ज़मीन के ऊपर काम भी शुरू किया है, खरीद फरोख बेच भी रहे हैं, मतलब ज़मीन मेरा बेच रहे हैं. और मैं कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान कोर कमांडर से मेरा ये दरख्वास्त है, मेरा अपील है कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए, मुझे अपना हक लाला खान बाजी से मेरा हक वसूल करे. और दूसरा, बलूचिस्तान एफसी आईजी से भी मेरा दरख्वास्त है कि मुझे अपना हक मिल जाए लाला खान बाजी से, मेरे साथ इंसाफ हो जाए. और जान कमाल बलूचिस्तान वज़ीर आला जान कमाल से भी मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है कि मेरे भाई जो ना ऑपरेशन के पैसे नहीं है मेरे साथ, दूसरा माँ कभी ऑपरेशन का पैसे नहीं है. और जान कमाल से भी दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए, मुझे अपना हक मिल जाए. एक तो मेरे हक में फैसला भी हो चुका है, मेरे साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, सबूत पड़ा हुआ है मेरे साथ. सिविल सिग्नेटरी जोर लांगव का भी ये जजमेंट पड़ा हुआ है मेरे साथ. हम लोग का हक में फैसला भी हो चुका है. और दूसरा जो हर्डर है, फिर हाईकोर्ट में हमने अपील किया है. ये देखिए, ये हाईकोर्ट RFA 139, हमने वहाँ पे अपील किया हाईकोर्ट में कि मुझे अपना हिस्सा तकसीम हो जाए, मुझे अपना हिस्सा मिल जाए. आखिर में जमाल मंदोखेल ने एक ऑर्डर किया था, तो आखिर में एक ऑर्डर किया जमाल मंदोखेल ने. उस ऑर्डर में जमाल मंदोखेल ने लाला खान से कहा था कि भाई तमाम पार्टीज़ को आपने हिस्सा दे दिया है, इसको भी 80 लोगों को भी इसके साथ भी बैठ जाओ, इसका जो हक है इसके साथ भी बैठ जाओ. तो मेरे साथ जो ना वो लाला खान जो ना मेरे साथ नहीं बैठ रहे, मेरे साथ शदीद जुल्म कर रहे हैं. ये शुरू से हम लोग का ज़मीन मुश्तरिका है, नहीं लाला खान बाजी जो ना इसका एक इंच ज़मीन भी नहीं है. हाँ, ये हम लोग का मुद्दई है. कौन है?
अब अब्दुल हमीद उससे हम लोगों ने ये देखो, हम लोगों ने उससे केस भी जीता है। फिर ये दीवानी केस था, लाला खान बादजी ने खरीद फरोख किया है। जितने भी यहाँ पार्टीज है, जितने भी पार्टीज है, हम लोग का चाचा जात बेटे था, हम लोग का वालिद का खाला जात बेटे था, और तमाम पार्टी से लाला खान ने खरीद लिया। अब जो मेरे हिस्सा है, मुझे ऑफर दे रहे कि भाई तुमको मैं अब हमको ऑफर दे रहे कि 50-60 लाख रुपया दे रहा हूँ आपको। हम लोग का जो हिस्सा है 1 अरब रुपया का प्रॉपर्टी है हम लोग, टोटल 14 एकड़ है, मेरे जो ना तकरीबन 2.5 एकड़ मुश्तरिका बन रहे। हम बलूचिस्तान और इंतकाल हम लोग के साथ था, मुश्तरिका इंतकाल था। ये गलजियों ने जाली कार्रवाई किया, मतलब इंतकाल अपना नाम पे कर दिया। फिर दावा चल रहा था, हम लोग आँख में फैसला हो गए, वापस इंतकाल हम लोग का नाम पे ट्रांसफ़र हो गए मुश्तरिका। तो मैं कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान पुलिस IG से भी मैं दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए, मुझे अपना हक मिल जाए, और मुझे जो ना जेलों में डाल रहे, ना जैस केसेस मेरे ऊपर बना रहे।